नमस्कार, मैं प्रगति। आरकेएम स्मार्ट वे माई वे में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राखी पेड़ा। बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में हम इसे घर पे बना सकते हैं। राखी पेड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं 120 ग्राम काजू, आधा कप शक्कर, 4 चम्मच मिल्क पाउडर। पेड़े सॉफ्ट होने के लिए हम मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं और 1/4 कप पानी। सबसे पहले काजू को हम थोड़ा थोड़ा डाल के ग्राइंड करके ले लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, वरना ये ऑयल छोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें इसे पाउडर करके लेना है। अब पेड़ा के लिए हम हमारे दो फ्लेवर बना के लेंगे। इसके लिए हमने 4 से 5 अंजीर लिए हैं, इसे हम ग्राइंड करके ले लेंगे। हमारे दोनों भी मिक्सचर रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली ग्राइंड हो चुके हैं। अब रोज़ पेटल के लिए हम यहाँ पे रोज़ फ्लेवर बना लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 स्पून रोज़ सिरप लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच गुलकंद डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। हमारे दोनों भी फ्लेवर रेडी हो चुके हैं। अब एक पैन को गरम करके हम इसमें चीनी और पानी ऐड करेंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें काजू पाउडर ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से कंटिन्यू हिलाते रहना है। इसे हम अच्छे से पका के लेने वाले हैं। एक 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। इसमें अब हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। अब फ्लेवर ऐड करने के लिए हम हमारे मिक्सचर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक पोर्शन में अब हम अंजीर का मिक्सचर ऐड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारा मिक्सचर प्रॉपरली पैन छोड़ रहा है और ये अच्छी तरीके से पक गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए निकाल के रखेंगे। इसी तरीके से रोज पेटल्स के लिए अब हमारा गुलकंद और रोज सिरप का मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे। हमारा रोज़ फ्लेवर मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल के लेंगे। इसे हम थोड़ा थिक होने के लिए एक प्लास्टिक रैप में पैक करके थोड़ी देर डीप फ्रीज में रखेंगे। आइए अब हम पेड़े बना लेते हैं। हम इसे हाथ से राउंड शेप देके ऊपर से हल्का सा प्रेस करके लेंगे। इसी तरीके से हम हमारे सारे पेड़े बना के लेंगे। हमने अपना रोज मिक्सचर फ्रिज में रखा था, अब ये ठीक हो चुका है। इससे हम अब गुलाब की कली बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारी कली भी बन चुकी है। इसे हमें इसके ऊपर हल्का सा दबा के लेना है। हमारे स्पेशल ओकेशन के लिए गुलकंद और अंजीर पेड़ा रेडी हो चुका है। इस रक्षाबंधन आप इसे जरूर बना के देखिए। इस पेड़े को मैंने शुगर पर्ल से डेकोरेट किया है। आप चाहिए तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं। आप जरूर इसे बना के देखिए, क्योंकि घर में बनाने का मजा ही कुछ और है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।